हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एलन डॉबी शो। और आज इस व्लॉग में मैं, स्मित एंड हमारी सीनियर आर्किटेक्ट, हम जा रहे हैं फैक्ट्री, हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। वहां जाके हम आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाएंगे एंड जो भी मशीनरीज होती हैं और भी बहुत कुछ। मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ एंड आई गेस स्मित के लिए भी। Light me up with a bright smile on now. Put me in the dark, I won't get lost now. To the moonlight I see, I'll be here right now. टाइम हो रहा है 3:28। आपको शायद वॉइस आ रही होगी। फैक्ट्री में फर्नीचर्स, मॉड्यूलर फर्नीचर्स कट रहे हैं, इसलिए वहाँ अंदर जाकर बातें करना, चीजें दिखाना पॉसिबल नहीं है। ऑल्सो बारिश भी हो रही है, मतलब एक तो ठंड ऊपर से बारिश, मतलब ब्लॉग की तो, बट इट वॉज नाइस। फैक्ट्री में जिस तरीके से चीजें कट रही है तो परफेक्ट लगता है, एकदम लाइक जुक 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 और चीजें कट आउट हो जाती है। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, मे बी हम जाएंगे गौर सिटी, वहाँ एक क्लाइंट के साथ हमारी विजिट है। और जो यहाँ के हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के हैं वो स्टूडियो आएंगे, तो उनके साथ हम इंटरव्यू वीडियो शूट करेंगे एंड तब आपसे कुछ वीडियोस, कुछ नॉलेज भरी बातें शेयर करेंगे। इनिशियल इस ब्लॉग में आपको तो सिर्फ मेरा ही चेहरा देखने मिलेगा। सो बैक फ्रॉम द फैक्ट्री, वहां पे बात करना, कुछ भी एक्सप्लेन करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, तो मैंने सोचा अभी शूट कर लेते हैं। सो बेसिकली जो हमने वहां देखा मशीनरी एंड एज बेंडिंग की मशीनरी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कारपेंट्री और मॉड्यूलर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, बहुत ज्यादा फिनिश का डिफरेंस आता है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ वीडियो में हमने जैसे देखा कि वो सप्रेस हो रहा था, तो उसमें जो भी ग्लू है वो इक्वली डिवाइड हो रहा था, जो प्रेशर है वो इक्वली पड़ रहा था। उस हिसाब से जो फिनिश है बहुत अच्छा आता है और फिनिश एकदम परफेक्ट एक्यूरेट आता है। जो मॉड्यूलर की एज बेंडिंग होती है उसकी फिनिश बहुत अच्छी आती है। एंड जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये दो सैंपल्स है जो हम फैक्ट्री से लेकर आए हैं, तो इसमें जो इसकी एज बेंडिंग है, ये मशीनरी ऑब्वियसली मशीन से हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा कट टू कट एंड बहुत परफेक्ट लग रहा है इसका फिनिश। इन दोनों में जो एज बेंडिंग हुई है, ये इसकी एज बेंडिंग थोड़ी राउंड सी है, अगर आप देखें तो ये थोड़ा बेटर रहता है जब आप यूज करते हो। और इसकी एज बेंडिंग यहाँ पे,
तो फैक्ट्री ऑब्वियसली फैक्ट्री में जब आप मॉड्यूलर फर्नीचर या कुछ मॉड्यूलर होता है तो चीजें बहुत आसान हो जाती है, फिनिश बहुत अच्छा आता है, जिस भी डायमेंशन की चीजें होती है वो इजिली कट हो जाती है। फैक्ट्री के ऐसे बहुत से विजिट आपको देखने में मिलने वाले हैं, दोबारा वो फैक्ट्री जाने वाले हैं, और जो भी ऐसी वीडियोस होगी, जो भी ऐसी चीज होंगी वो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और द गैलेंट ऑफ द शो को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।